नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक स्कूल में पानी की टंकी में गिरने से 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। लुका छिपी के खेल के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर की है, जहां कक्षा एक में पढ़ने वाले छात्र जब देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो चिंतित परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया, वहां भी छात्र नहीं मिला। इसके बाद मासूम की तलाश की गई तो स्कूल परिसर में निर्मित पानी की टंकी में उसका शव मिला है। इस खबर को सुनते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की जानकारी के बाद मानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मृत मासूम अपने साथियों के साथ विद्यालय परिसर में लुका छिपी का खेल खेल रहा था। उसी दौरान बालक छिपने के चक्कर में पानी की टंकी में गिर गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में मासूम के न मिलने पर तलाशी की गई तो उसका शव पानी की टंकी से बरामद किया गया। वहीं इस पूरे मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। यदि दरवाजा बंद रहता तो ये हादसा नहीं होता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीपीएन 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज़।